हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? आ जाओ फटाफट, आज मैं आप जैसे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को समझा दूं कि कैसे इंस्पेक्टर बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। और बेटा, इस बार आपकी रणनीति अगर सटीक होगी तो आपको आराम से सिलेक्शन दिला सकता है, क्योंकि इस बार वैकेंसीज बहुत हैं। और कई बार बच्चे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगले बार। बेटा, हमेशा इतना मौका आपको भगवान और सरकार दोनों नहीं देता है। तो पहले आते हैं कि हम चलते हैं बेटा CGL की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और CGL होता क्या है, और उसके अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आते हैं, और क्यों ये इतना प्रचलित है बच्चों के बीच में। बेटा याद रखना, एक एग्जाम है सिविल सर्विसेज का भारत में, जिसमें आपका सिलेक्शन कलेक्टर के रूप में होता है। और गांव में एक मानसिकता थी लोगों के बीच में कि मेरा बेटा अगर कलेक्टर बनेगा तो भाई मेरा तो रुतवा होगा, क्योंकि कलेक्टर वहां पे माई बाप कहलाते हैं, है ना। गांव में गरीब लोग होते थे ज़्यादातर, और ज़्यादा बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जब कलेक्टर साहब आते थे तो वो माई बाप कहलाते थे। और उसको देखकर जब एक गांव का लड़का बड़ा होता था तो उनकी फीलिंग आती थी, बाप रे माई बाप आ गए। अब उसके बाद क्या हुआ, ये बच्चे भी बड़े हुए, इनको भी महसूस हुआ कि भाई हम क्यों नहीं बन सकते हैं। जब एजुकेशन सबको मिलना शुरू होता है तो सबके मन में सपने पलने लगते हैं।